हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट 6 का फोर्थ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से। क्वेश्चन में आपके सामने रीड आउट कर रहा हूं बेटा, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है वो मैं फटाफट नोट कर लूंगा। हमें पहली ही लाइन में बोल दिया गया है एज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन। तो जैसे मैंने आपको ये लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, कंप्लीट डिसोसिएशन के अंदर जो भी हमें हमारा सॉल्ट गिवन होता है उसकी बेटा डिसोसिएशन करवा दो। यहाँ पे दो सोडियम आयन है, एक सल्फेट आयन है, टोटल नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो आई की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी बेटा 3। आपको अल्फा वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन है, अल्फा यहाँ पे 1 ही होगा। तो आप ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हो तो भी आपका आई 3 आएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली आयन्स गिन के आई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो ये हमारे पास बेटा हमें आई गिवन था पहली ही लाइन में। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है बेटा टीएफ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ ग्लोबर सॉल्ट। सॉल्ट हमें गिवन है बेटा, उसका गिवन वेट है यानी कि W2 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट भी हमें यहां पर निकालना पड़ेगा, वैल्यू उसकी गिवन नहीं है बेटा, लेकिन एलिमेंट्स का वेट दिया हुआ है। दो सोडियम है तो 46, एक सल्फर है तो 32, चार ऑक्सीजन है तो 64, 10 पार्ट्स वाटर के हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 180। ऐड कर दोगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 322 ग्राम। तो बेटा सोल्यूट का गिवन वेट मिल गया, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, उसके साथ हमें दिया हुआ है वेट ऑफ सोलवेंट, और यहाँ पे सोलवेंट जो है वो वाटर है, तो वेट ऑफ सोलवेंट है बेटा W1 0.1 kg। इसको आप ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो 100 ग्राम आ जाएगा। केएफ की वैल्यू भी हमें गिवन है बेटा वाटर के लिए, जो है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो जैसा मैंने आपको बताया बेटा, हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेटा डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारे पास आएगा I इंटू के एफ W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं 1 by 1 पुट कर रहा हूं। तो हम यहां पे हमारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा M2 की वैल्यू है हमारे पास 322 और सोलवेंट की वैल्यू थी बेटा 100। इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ जाएगी 1.039 केल्विन। तो बेटा ये हमारे पास आ गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसी वैल्यू को यूज करके मैं निकालूंगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप सभी को पता है डेल्टा टीएफ हमारा होता है टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से टीएफ की वैल्यू आ जाएगी टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ, यानी कि 273 माइनस 1.039। सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पे आ जाएगा टीएफ का वैल्यू 271.96 केल्विन। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन बच्चे यहां पे कंप्लीट हो चुका है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।